नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में कैन कनेक्ट फैन रेगुलेटर इन हीटर। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि क्या हम हीटर को पंखे के रेगुलेटर से उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएगा कि नहीं ख़राब होगा, और अगर करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर जवाब देने लायक होगा तो जवाब दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा और दिखाऊंगा, भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको कि वाकई में हम पंखे के रेगुलेटर से हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पंखा कितने एम्पेयर करंट लेता है और हीटर कितने एम्पेयर करंट लेता है। तो दोस्तों उसके लिए हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो आप सब जानते होंगे, पी बराबर वी इंटू कॉस फाई। तो अब हमको आई निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम पंखे का निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिर हम हीटर का निकालना बताएंगे, उसके बाद भी दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। दोस्तों पावर हमारा है कितना, 70 वाट। और जो हमारा जब ये आई यहाँ पर आएगा तो पी यहाँ चला जाएगा, बटे वोल्टेज आता है हमारा 220, और पावर फैक्टर जो होता है हमारा वो 0.8। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा दोस्तों, 220 का गुणा 0.8 में उसको भाग लगा दूंगा 70 में, तो ये दोस्तों नियर अबाउट 0.40 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया पंखे का, पंखा 0.40 एम्पियर करंट लेगा। अब दोस्तों मैं को आपको हीटर की बात बताऊं, हीटर दोस्तों मैं 1000 वाट का लेके चलता हूँ, नॉर्मली 1000 वाट का। दोस्तों इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, तो आई हमको निकालना है। तो आई बराबर हीटर होता है हमारा 1000 वाट का, बटे 220 गुणे एक। दोस्तों यहाँ पर पावर फैक्टर मैंने एक रखा है क्योंकि हीटर जो होता है वो रेजिस्टिव लोड होता है और ये पंखा जो होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। तो रेजिस्टिव लोड में पावर, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दोनों में पावर फैक्टर एक ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कॉस फाई रहता है, लेकिन जो इंडक्टिव लोड होता है उसी में पावर फैक्टर हमारा गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा एक ही रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो दोस्तों 220 गुणे एक तो 220 आ जाएगा, 220 का भाग लगा दूंगा 1000 में, तो ये दोस्तों हमारा 4.54 एम्पियर। अब दोस्तों ये देख लीजिए, पंखा ले रहा है 0.40 एम्पियर और हीटर ले रहा है 4.5 एम्पियर के आसपास। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो हमारा रेगुलेटर होता है वो कितने वाट का होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास एक रेगुलेटर है, तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए, इसमें 450 वाट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये देखिए, हैवल्स कंपनी का नाम है और ये 450 वाट, ठीक है। और दोस्तों ये इसके कनेक्शन डायग्राम बने हुए हैं, ये लोड है और ये हमारा पंखा है, और यहाँ पे एक स्विच लगेगा, ये रेगुलेटर जो होता है वो पंखे के सीरीज में लगता है। तो दोस्तों ये 450 वाट का हो गया। अब दोस्तों 450 वाट के हिसाब से ये कितने एम्पेयर करंट लेगा, ये जो हमारा रेगुलेटर होता है ये कितने एम्पेयर करंट, इसकी हाई कैपेसिटी कितनी है, कितने एम्पेयर करंट कैरी कर सकता है। दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, आई हमको निकालना है। बराबर 450 वाट हमको पता है, 450 बटे 220 गुणे 0.8। दोस्तों यहाँ पर हमने पावर फैक्टर ले लिया है क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये दोस्तों करीबन 2.5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, 2.55 एम्पियर। अब दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, हीटर ले रहा है 4.5 एम्पियर और पंखे का रेगुलेटर जो होता है मैक्सिमम करंट कैरी करने का वो ले रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब दोस्तों पहला रीजन तो ये हो गया कि इसमें ये कनेक्ट नहीं हो सकता, और अगर आप करते हैं तो ये खराब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा कारण बता देता हूँ ये क्यों नहीं होगा। दोस्तों हीटर जो होता है वो 1000 वाट का होता है, पंखा जो होता है वो 70 वाट का होता है, और जो हमारा रेगुलेटर होता है यह दोस्तों
450 वाट का होता है। अब दोस्तों देख लीजिए इनमें कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि समझ लीजिए 9-10 गुना इसमें डिफरेंस है। कि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो हीटर जो है ऑन तो हो जाएगा और कुछ देर काम करेगा, उसके बाद ये जल जाएगा पूरा, इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं वो पूरे जल जाएंगे और दोस्तों शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जानने के लिए आपने ऐसा किया है तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। मैंने तो उसको प्रैक्टिकल किया था, फिर मुझे उसका रिजल्ट मिला कि ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे कोई भी काम ना करें कि जिसमें रिस्क हो, और सेफली काम करें। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे बताए द्वारा जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।